और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दौरान मिशन उत्तर से दक्षिण तक साधने में जुटी है कांग्रेस। जी हां, राहुल गांधी ने जहां आज केरल में अपने नामांकन के दौरान रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं कल पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में रोड शो करेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष अपना पर्चा भर रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद दिखी। राहुल इस बार केरल के वायनाड और साथ ही यूपी के अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। नामांकन भरने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष रोड शो भी किया और साथ ही इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी संघ और भाजपा की विचारधारा दक्षिण भारत के लोगों के खिलाफ है। मैं संदेश देना चाहता हूं कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और मैं साउथ से भी चुनाव लड़ूंगा। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को गाजियाबाद में रोड शो करेंगी। गाजियाबाद के प्राचीन और प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर में मत्था टेक कर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर प्रियंका रोड शो शुरू करेंगी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज नामांकन भरने के साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोड शो के जरिए कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन किया।